विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ वल्लभ नगर पहुंचकर उपखंड अधिकारी हुकुम कुंवर के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। नामांकन पेश करने के साथ ही वल्लभ नगर में भाजपा की स्थिति भी साफ हो गई है। डांगी अल सुबह देवालयों में दर्शन कर अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने वल्लभ नगर पहुंचे। नामांकन के बाद वल्लभ नगर के दशहरा चौक में आयोजित जनसभा में उम्मीदवारों की होड़ में लगे हुए हिम्मत सिंह जाला व प्रत्याशी उदयलाल डांगी एक साथ एक मंच पर दिखे। इसके बाद जनता में फैली भ्रामकता भी दूर हो गई। जनसभा में जाला और उदयलाल डांगी एक साथ एक मंच पर जनता को संबोधित किया व एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की वल्लभ नगर में जीतने का संकल्प लिया। जनता को संबोधित करते हुए हिम्मत सिंह जाला ने कहा कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की मां है और हम सबको इसे जिताने का संकल्प लेना होगा। इस दौरान हिम्मत सिंह जाला ने उदयलाल डांगी से अगले चुनाव में टिकट किसी को भी मिले भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहने की अपील की, और जिस पर डांगी ने संकल्प लेते हुए कहा कि मेवाड़ में किसी भी सीट पर अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं निसंकोच दिन रात काम करूंगा। टिकट वितरण के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में भ्रामकता फैली हुई थी कि हिम्मत सिंह जाला व उदयलाल डांगी एक मंच पर होंगे या नहीं, लेकिन सोमवार को डांगी और जाला ने मिलकर लोगों में चल रही भ्रामकता को तोड़ दिया। भाजपा प्रत्याशी उदयलाल डांगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः मेरे कंधे पर वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो हिम्मत सिंह जाला और उदयलाल डांगी मिलकर एक बार कमल खिलाएंगे। डांगी ने कांग्रेस पार्टी व जनता सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में विकास नहीं करवाया वह अगले 5 सालों में उदयलाल डांगी करवा कर रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिला प्रभारी इंद्रमल सेठिया, विधानसभा प्रभारी करण सिंह राव, गुजरात की विधानसभा TC बरांडा प्रभारी, प्रवासी प्रभारी डॉक्टर नितिन बिहारी, प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवर सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह असोलिया, दीपक शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित पूर्व प्रत्याशी गणपत मेनारिया, भंवरलाल रावत, धनजी अहीर, मोहन मेनारिया, उप प्रधान रोशन मेनारिया सहित 7 मंडल अध्यक्ष व पंचायत समिति प्रधान व हजारों कार्य बीजेपी है, साथ है, कितना हो गया? देखो, ये वल्लभ नगर की जनता परीक्षा लेती है, ट्रेन करती है। पहले एक चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था तो मुझे 3रे नंबर पे रखा, और जब मेरा टिकट कट गया मैं दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा तो 2रे नंबर पे ले आए थे, और इस बार मुझे पूरा विश्वास इस वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर है कि वो 1 नंबर पर लाएंगे, पूर्ण विश्वास है। क्या प्राथमिकता रहेगी? जो वल्लभ नगर की स्थिति आप देख रहे हैं, वल्लभ नगर राजस्थान के अंदर एक ऐसी विधानसभा है जो पिछड़ी हुई है, बेरोजगार, विकास, हर तरह से हमें दुख है। इसीलिए तो जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है। अगर मुझे अवसर दिया यहाँ की जनता ने तो 70 साल का काम इस 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ के करके बताया।